बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम लोग आए हैं दरगाह यानी अजमेर, हम लोग पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर आराम करी, जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ अपनी जर्नी। तो इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, आना तो नहीं था, लेकिन जब आए हैं तो ये हो रहा था थोड़ी देर के लिए दरगाह चलते हैं और दिखा देते हैं सबको यहाँ आने के बाद। कुछ लोग तो ऐसे यहाँ पहली बार आए, मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ और हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे दिवाली में लाइटें लगी होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे लाइटें हमेशा लगी रहती हैं और देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है। और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ मिली, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इतना लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे उर्स है। इससे पहले मैं आई थी तो बहुत ही कम भीड़ थी, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा सा उलझन हो रही थी, क्योंकि हम लोग को भीड़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हम लोग आ गए बिल्कुल गेट के सामने और हमारा होटल और दरगाह बिल्कुल करीब में थी, तकरीबन ऐसे हो गए 300 मीटर की दूरी पर। तो हम लोग वहाँ पर आ गए, आप देख सकते हैं दरगाह का गेट और ये अनायजा भैया के ऊपर बैठी हुई हैं, क्योंकि बच्चों को गोद में लेना ठीक था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखिए रात भी तकरीबन यहाँ 10 बज रहा होगा इस टाइम, और ये देखिए हम लोग सब लोग हैं साथ में। काफ़ी भीड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सबको, लेकिन यहाँ आना एक बार तो बनता था कि ये हो रहा था कि चलो यार रात हो गई है तो लेकिन चलते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए गेट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और गेट ही बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है यहाँ का, और ये एंट्री कर रहे हैं लोग अंदर के लिए। और ये देखिए हम लोग एंट्री करके अंदर आए हैं और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, और ये भीड़ पूरी रात ऐसे ही रहती है, बस सुबह के टाइम थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ लोगों ने बताया कि आप फजर में आओगे तो फजर में आपको भीड़ थोड़ी सी कम मिलेगी, वैसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी यहाँ पर। तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करने में भी कई गेट यहाँ पे पड़ते हैं और काफ़ी दूरी है दरगाह से अंदर जाने की। तो यहाँ सबसे पहले ये हो रहा है, यहाँ पे स्लीपर सैंडल और शूज़ जितने भी हैं यहाँ पे रख देते हैं। तो ये खादिम लोगों की शॉप है यहाँ पर, यहाँ पे फूल वगैरह मिलते हैं, चादरें मिलती हैं चढ़ाने के लिए दरगाह पे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे आप रख सकते हो और आपकी कोई भी स्लीपर सैंडल आपकी यहाँ से चोरी नहीं होगी, तो आप यहाँ रख सकते हो। तो हम लोगों ने यहीं पर पॉलिथीन में रख दी है, और यहाँ पे खादिम होते हैं वो बताते भी जाते हैं कि यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे तो आप ये खादिम को देख रहे हो, वाइट कुर्ता पजामा जो ब्लैक टोपी वाले थे, ये मैंने इन्हें 10-12 साल पहले भी ऐसे ही देखा था। और यहाँ पे सब हम लोग एक पॉलिथीन में सबकी सैंडल रख रहे हैं हम लोग। माशाल्लाह लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे भी सब आए हैं, सभी लोग साथ में आए हैं। और ये देखिए खादिम जो खड़े हैं साइड में, इनको मैंने बहुत पहले देखा था, ये जो आगे आगे जा रहे हैं तो मैंने देख के पहचान गई थी। और ये देखिए यहाँ बस यही है कि बहुत ज़्यादा रश होता है और जो खादिम लोगों का जो एटीट्यूड होता है ना, बस वो चीज़ यहाँ पर अच्छी नहीं है, बाकी सब तो ठीक था। और हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जा रहे हैं, जो डेग होती है ना, यहाँ पे दो डेग हैं, बहुत बड़ी बड़ी डेग होती हैं यहाँ पे, तबर्रुक जो बनता है यहाँ पे वो बनता है। और सबसे पहले डेग में पैसे और भी लोग चीज़ डालते हैं, खाने पीने का सामान डालते हैं, जो भी डालना चाहे, ज़रदा बनता है यहाँ पर तबर्रुक का, घी डालते हैं लोग, चावल शक्कर ड्राई फ्रूट, तो जितनी भी चीज़ें डालते हैं ये सब डेग के अंदर डालते हैं। और फिर इसके बाद डेग को खाली करने के बाद वो बनाई जाती है, एक साइड पक रही है डेग और एक साइड में यहाँ पे सारी चीज़ें डाली जा रही हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, ये हैं वो चीज़ें। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे उतर रहे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और सभी ने एक एक बार देख लिया आके। और हम लोग दूसरी डेग की तरफ जा रहे हैं जो ठीक इसके सामने है, और यहाँ आने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर डेग में क्या हो रहा है और यहाँ पर डेग में कैसे क्या चीज़ें डाली जाती हैं और कैसे पकाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक फैमिली है तो वो शायद बनवा रही हैं, तो वो अपने हाथों से सामान डाल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए पानी चल रहा है बराबर और ये पूरी भर जाएगी, और इसको पकने में भी काफ़ी टाइम लगता है, मेरे ख्याल से पूरा रात भर पकती होगी है, मैंने पकते तो नहीं देखा है, लेकिन ये इसी तरीके से पकती है। और सारा सामान लोग डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये मोहतरमा है ये डाल रही हैं, इनकी पूरी फैमिली है। तो ये केवड़े के साथ हमें लग रहा जर्दे का रंग है, यही सब डाल रहे थे, सारी चीज़ें इन्होंने अपने हाथ से डाली। कोई भी जो भी बनवाना चाहता है तो वो इसी तरीके से डलवाता है हर चीज़। अब हम लोग नीचे उतर आए हैं
और उतरने के बाद हम लोग आगे के लिए बढ़ रहे हैं और आप रश बराबर इसी तरीके से देख रहे हैं कितना रश है। मुझे लगता है दरगाह के पास तो और भी ज़्यादा रश होगा। और जब हम लोग दरगाह के पास धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं तो सबका साथ नहीं छोड़ना है, बच्चों को बिल्कुल हाथ में पकड़ के चलना है। ये यहाँ की मस्जिद है जो बहुत बड़ी मस्जिद है। मैं दिन में आपको यहाँ आके सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या है। ये वज़ू खाना है और वज़ू खाना एक और भी है यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा सा है। ये सारी दुकानें लगी हुई हैं लोगों की। इसके अंदर जाने के बाद हम और भी अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गए और सामने वो दरगाह दिख रही है बिल्कुल ठीक सामने। अंदर और भी ज़्यादा रश है और अंदर कव्वाली की आवाज़ आ रही है, तो चलिए कव्वाली सुनाते हैं आपको। फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि इसी जगह पर हमारा बैग से वॉलेट निकल गया और वॉलेट में पैसे भी थे, कार्ड भी थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जितने भी एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं वो सारे थे उसमें। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और मैं बस अल्लाह से यही दुआ कर रही थी, अल्लाह पैसे चले गए कोई नहीं लेकिन मेरा वो वॉलेट मिल जाता ताकि उसमें मेरे जितने भी कार्ड थे वो मुझे मिल जाते। और बस अल्लाह ने मेरी यहीं पर सुन ली, मुझे सब लोग समझा रहे थे कोई बात नहीं चले गए तो कोई बात नहीं। मुझे भी ये लगा कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है हमारी बेहतरी के लिए, और जो उसने किया अच्छा किया, मैं उसके करने पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं कर रही। लेकिन वो मुझे वॉलेट मिल गया मेरी एक दुआ से, अल्लाह ने मेरी दुआ उसी वक्त कबूल कर ली। 5 मिनट बाद मुझे वो वॉलेट मिल गया और बस हम लोग वहाँ से फ़ौरन चले आए। एक होटल में आए हैं और वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। खाना भी कोई ख़ास नहीं था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था हम लोग का वहाँ पर और समझ में नहीं आ रहा था कौन सी जगह कैसी है। खाना खाने के बाद सीधे हम होटल जाएंगे, वहाँ आराम करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।